हमारी बेसन मलाई बर्फी बनके तैयार है। जय श्री कृष्ण। आज हम बनाएंगे मलाई बेसन की बर्फी। उसके लिए ये हमने 2 कप बेसन लिया है। ये हमने 10-12 बादाम काट के ले लिए हैं। ये हमने 1 कप चीनी ली है और ये हमने 8-10 इलायची का पाउडर बना के ले लिए हैं और ये हमने 1/2 कप मलाई ली है। इस मलाई से हम इस बेसन को गूंथेंगे। मलाई हमने जो नॉर्मल हम घर में दूध गर्म करते हैं उसकी निकाल के रखी हुई है। आप मलाई को फ्रीजर में रख के स्टोर कर सकते हो। जब आपको यूज करनी हो उसके 10-15 मिनट पहले उसको फ्रीजर से बाहर निकाल के रख दीजिए। जब आप मलाई ले आटा गूंथने के लिए तो उसे फ्रीजर से थोड़ी देर पहले निकाल के बाहर रख लीजिए ताकि वो रूम टेम्परेचर पे हो जाए। ये हमारा आटा लग के तैयार हो गया है। अब हम इस आटे को 20 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तो फिर अब हम मिलेंगे 20 मिनट बाद। 20 मिनट हो गए हैं हमें डो लगाए। अब हम इसको भूनेंगे। हमने जब ये बेसन लगाया था तो ये सिर्फ मलाई में लगाया था, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाया। अब हम गैस ऑन कर लेते हैं और इसमें पैन रखते हैं। इसमें हम 2 चम्मच घी डाल लेंगे और इसको थोड़ा गर्म होने देते हैं। हमारा ये तेल घी गरम हो गया है। इसमें अब हम ये बेसन भूनेंगे। गैस हम बिल्कुल धीरे रखेंगे। हमारे बेसन ने सारा घी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। हमने सिर्फ 2 चम्मच घी डाला बेसन को भूनने के लिए, वो इसलिए क्योंकि हमने बेसन को मलाई में गूंथा है। जब ये पकना शुरू होगा तो मलाई अपना घी छोड़ना शुरू कर देगी। हमें बेसन को एकदम कम आग पे भूनना है धीरे धीरे। ये देखिए हमारे बेसन ने सारा घी अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया है। ये हमारा बेसन सिक के तैयार हो गया, यानी कि ये भुन गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें एक अच्छी खुशबू भी आनी शुरू हो गई है। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। ये हमने 1 कप चीनी ली है और इसमें 1/2 कप हम पानी डाल देंगे। आप जिस भी बर्तन से आप बेसन नाप के लेंगे उसी बर्तन से आप चीनी नाप के ले लीजिए और पानी को, तो एकदम से सही चीनी का ये प्यूरी आपका तैयार हो जाएगा। हमें ये सिर्फ चीनी घुलने तक पकाना है, इसकी चाशनी 1 तार या 2 तार की नहीं बनानी।
जब तक हमारी ये चीनी घुल के तैयार होगी तब तक हमें जिस बर्तन में मिठाई को जमाना है उसे घी लगा के थोड़ा चिकना कर लेते हैं। हमारी चीनी घुल गई है पानी में, अब इसमें हम ये बेसन मिला देंगे। और अब इसमें हम ये इलायची पाउडर भी मिला देंगे। हमें इसे तब तक चलाना है जब तक ये हमारी जमने वाली कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। ये हमारा बर्फी का मिक्सर तैयार है, अब इसे हम निकाल लेते जमाने के लिए। हम इसे फैलाते हुए थोड़ा सा प्लेन कर लेते हैं। और अब इसमें जो हमने बादाम लिए थे काट के, इनको अब इसके ऊपर हम जमा देंगे। और इन्हें थोड़ा थोड़ा इसके अंदर दबा के छोड़ देंगे। इसे हम एक घंटे के लिए रख देंगे, फिर हमारी मिठाई जम के तैयार हो जाएंगी। उसके बाद हम इसके पीस काटेंगे। बेसन मलाई बर्फी हमारी जम के तैयार है, अब हम इसके पीस काटेंगे। पीस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े कर सकते हैं। इसको हमने बना के एक घंटा बाहर ही रख दिया, एक घंटे में ये जम गई है। बेसन मलाई बर्फी हमारी बनके तैयार है। अभी फेस्टिवल सीजन है, आप भी इन्हें बनाइए। बेसन मलाई की बर्फी बनाना बहुत आसान है, आप इन्हें आराम से बना सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। Thank you.